Hi, today is 7th of May 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu, Delhi edition. आज ये सारे essential topics हम देखने वाले हैं. Page number 1, virus tally crosses 50,000 marks, number of death surges to 1,771. We may link this article to disaster preparedness, healthcare and administration. In page number 2, there is a news item on IIT Delhi start up comes out with a washable mask. Mask single time use हो रहा था तो इन्होंने एक innovation किया है और washable मतलब multiple use हो सकता है उसका. Science and technology innovation. Then page number 2 में है suppliers to Maruti plant automobile majors. Automobile sector के क्या issues हैं, economy क्या hardships आ रही हैं, growth clusters क्या होते हैं automobile industry में और policy formulation कैसे किया जा सकता है. Page number 6 is editorial, back to home, Indian nationals, duty of a state, civic cooperation, world order, ethics and case study से link कर सकते हैं. Then blame game, global goods, cooperation, pandemic response, global commons, shared responsibility. US में अभी elections होने वाले हैं और वहाँ blame game चल रहा है COVID-19 response and preparedness का. Even China का भी यहाँ पे angle है. Then page number 6 में ही ये lead article है, resuscitating multilateralism with India's help. Mr. Amitabh Mattu और Amrita Narilkar ने ये article लिखा है. Very good article. Word जो है ये de-globalize हो रहा है, institutions हैं इनका questions उठ रहे हैं authority पे. तो ये article में काफ़ी अच्छे से explain किया है what we need to do और India इसमें क्या India का response होना चाहिए. India फिर से revive कर सकता है world multilateralism को. वर्ल्ड ऑर्डर, रोल ऑफ इंडिया, फिशर्स क्या है और फॉल्ट लाइंस क्या है एंड व्हाट कुड बी द वे अहेड. देन अ वॉर लाइक स्टेट एंड बॉन्ड टू द रेस्क्यू. सी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्राइसिस है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो या तो वो कर्टेल कर रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, या फिर कॉस्ट कटिंग हो रही है, या फिर ऑस्टेरिटी है, या फिर फंड रेज करने के लिए दे आर आस्किंग फॉर दिस बॉन्ड. तो ये जो यूके ने किया था वर्ल्ड वॉर वन पे, उससे आइडिया लेके हम दिस कॉन्सोल बॉन्ड ला सकते हैं. वेरी गुड आर्टिकल एंड आइडिया. इकोनॉमिक लिक्विडिटी क्राइसिस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड बॉन्ड्स. कल हमने न्यूज़ देखा था ई कोर्ट का. आज इस लेटर्स टू एडिटर में काफ़ी अच्छा काउंटर व्यू दिया है, ट्रेडिशनल इथोस वर्सेस टेक्नोलॉजी चैलेंजेस. दिस कुड बी यूज्ड एज अ केस स्टडी एज वेल. देन फियर एंड लोथिंग इन द पार्ट ऑफ द फ्री, इन द लैंड ऑफ द फ्री. इसमें बात है जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, वर्ल्ड पीस एंड ऑर्डर में उसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं. एवरीवन वांट्स अ गुड स्टिमुलस, बट व्हाट कुड बी अ गुड स्टिमुलस. रिवाइवल के लिए ये स्टिमुलस क्या हो सकता है, इसकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होना चाहिए और प्रैग्मेटिक अप्रोच कैसे हो सकता है. दिस कैन बी अगेन यूज फॉर अ केस स्टडी कि यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको ये गुड स्टिमुलस रिलीज करना है, आप क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या पिलर्स होंगे जिसको ध्यान में रख के ये स्टिमुलस आप डिज़ाइन करेंगे. देन रेंट कंट्रोल अमिड्स पैंडेमिक, एथिक्स, रोल ऑफ प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशन और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. देन ये दरबार मूव है जम्मू एंड कश्मीर में, कैपिटल चेंज होती है, ट्रेडिशन वर्सेस चेंज्ड टाइम, एफिशिएंसी वर्सेस एक्स्ट्रावेगेंस. कुछ बहुत अच्छे सवाल हैं यहाँ पे. देन पुअर फाइंड एक्सेस टू अकाउंट्स हार्ड. पॉलिसी फॉर्मुलेशन में तो वी आर वेरी गुड, बट जब उसका इम्प्लीमेंटेशन आता है तो वो पॉलिसी हमारी फॉल्टर करने लग जाती है. आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स नहीं होता है. अगेन इट कैन बी यूज फॉर अ केस स्टडी. फॉल इन की ट्रीटमेंट कैटेगरी, इसमें हम देखेंगे आयुष्मान भारत स्कीम क्या है और अभी COVID-19 के बैकड्रॉप में उस स्कीम में क्या यहाँ पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है. देन ये अगेन फ्रूगल इनोवेशन है जो इंडिया की स्पेशलिटी है, जुगाड़, माइक्रोवेव अवन टर्न्स स्टेरिलाइजेशन यूनिट. अगेन ITI में ये प्रिंसिपल साहब ने काफ़ी अच्छा इनोवेशन किया है. देन यूरोपियन इकोनॉमी फेसेस हिस्टोरिकल रिसेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस है. देन यहाँ बात है दिस वुहान लैब की, US चाइना वायरस स्पैट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एथिक्स होते हैं. एथिक्स आपके काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो. दीज आर टैम्पलेट्स लाइक आप एडमिनिस्ट्रेशन में, सोसाइटी में. नाउ वुहान लैब है, इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एथिक्स में यू कैन यूज़ इट. डिप्लोमेसी में बायो वेपन्स क्या होते हैं और वॉट डज इट मीन बाय ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी. देन SBI टू एक्सटेंड लोन मोराटोरियम टू NBFC. ये ट्रांसफ़र अगेन करने का अब SBI ने डिसाइड कर लिया है. RBI टू SBI, SBI टू देन नॉन बैंकिंग दिस कंपनीज. देन इक्विटी ट्रेड्स डिप बाय 14% इन अप्रैल.
पेज नंबर 15, टर्बुलेंट टाइम है, इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देखेंगे हम। देन ये है कैलकटा यूनिवर्सिटी डिजिटल कलेक्शन गोज ऑनलाइन, इसको भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो इस न्यूज़ आइटम को एज अ टेम्पलेट फॉर एथिक्स फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप डिबेट एंड ऐसे में यूज़ कर सकते हैं कि ओपन सोर्सेज होना क्यों ज़रूरी है, बैरियर्स क्या आते हैं लर्निंग में, और शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 30 to 35 मिनट्स। सो लेट अस स्टार्ट। एंड दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स जो हम इन आर्टिकल्स में आगे देखेंगे। पहला है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, फोरसी करना, एक्सपेक्ट करना कि ये हमने एंटीसिपेट कर लिया था। आर्बिट्ररी का मतलब होता है विम्सिकल या रैंडम है। डिस्ट्रेस का मीनिंग होता है एंग्विश या सफरिंग, मतलब पर्सन इन डिस्ट्रेस, अभी जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो काफ़ी डिस्ट्रेस में है। एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग एक्टिविटी, जैसे ऑटोमोबाइल के क्लस्टर होते हैं तो वहाँ बहुत सारी एंसिलरी एक्टिविटीज़ भी होती है, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स एट्सेट्रा। क्वारंटाइन का मतलब होता है एक पीरियड प्लेस पे आइसोलेशन करना, जैसे कंप्यूटर में भी वायरस आता है तो हम उसको क्वारंटाइन करते हैं, अभी COVID-19 में हम लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं। कंपेलिंग, कंपेलिंग एविडेंस है, मतलब कन्विंसिंग है, परजुएसिव है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है एंटीपैथी होना, हॉस्टिलिटी होना। रिजीम, रिजीम मतलब गवर्नमेंट होता है, प्रेजेंट रिजीम क्या है, रूल किसका चल रहा है वहाँ पे। देन मेलाइस, मेलाइस का मतलब होता है अनईज है, मेलनकॉली है, सॉम्बर है वहाँ पे। देन ये अक्सर हम वर्ड यूज़ करते हैं, लीडर्स बोलते हैं दिस इज़ क्लैरियन कॉल, मतलब रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, रिक्वेस्ट फॉर एक्शन दैट इज़ क्लैरियन कॉल। फोस्टर, फोस्टर मतलब होता है प्रमोट करना, एनकरेज करना, फोस्टर करना है हमें ब्रदरहुड, यूनिटी, इंटीग्रिटी। देन दिस इज़ फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रिटल, ब्रिटल है, ब्रेकेबल है, जैसे ग्लास क्या होता है, फ्रेजाइल आइटम है। देन विकैरियस, विकैरियस मतलब इन इमेजिनेशन, इनडायरेक्टली देखना, टूरिस्ट बाहर जा नहीं सकते हैं तो वो मूवीज़ देख के विकैरियसली दिस अपना दिस दे आर एन्जॉइंग दिस टूरिज्म एट ऑल। देन डिजर्टेशंस, इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल में एसेज आते हैं, थीसिस आता है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। So we are going to see all these words in here. If you come across any other word, important word, write down that word along with its meaning in the comment section below. Now this is 7th of May 2020. ये पहला आर्टिकल है, ट्रैकिंग द वायरस, वायरस को ट्रैक कर रहे हैं। वायरस का जो टैली है अभी वो 50,000 मार्क क्रॉस हो गया है, विच इज़ वरीजम। गवर्नमेंट रेडी कर रही है ऐसे ट्रेन कोचेज, सी ये कुछ दिन पहले हमने देखा था, ये काफ़ी इनोवेटिवली गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स तो लॉकडाउन के कारण बंद है, तो ये सारे जो ट्रेन कोचेज हैं इसको हम वार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं इस COVID-19 पेशेंट्स के लिए। एसेंशियल यहाँ पे सारी सर्विसेज, रेस्पिरेटरी एंड ऑल यहाँ पे दे देंगे हम। तो एंटीसिपेट कर रहे हैं हम कि ये जो नंबर है ये बहुत तेज़ी से और बढ़ने वाला है, इंक्रीज इन नंबर होगा। सो कैरिएजेस वुड बी डिप्लॉयड एट 215 स्टेशंस पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऐसे इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। मॉडिफाइड कंपार्टमेंट्स हैं। फियर क्या है अभी, डर क्या लग रहा है हमें कि नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो जाएगा। जब US में, UK में, वेस्टर्न यूरोप, इटली, स्पेन में दे आर हैविंग वेरी एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, वो ओवरवेल्म हो गया है तो इंडिया में तो वैसे ही फ्रेजाइल है हेल्थ केयर सिस्टम, तो नंबर ऑफ केसेस, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई वी आर वेरी वरिड। देन इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में, किस एंगल्स में आपको सोचना है। सी इस तरीके से इनोवेटिव होना चाहिए और कॉस्ट प्रैक्टिकल भी होना चाहिए आपके सॉल्यूशंस, हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, IIT दिल्ली ने, एक स्टार्टअप ने वॉशेबल मास्क किया है। जो आगे नॉर्मल लाइफ होने वाली है ना, तो उस नॉर्मल लाइफ में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मास्क लगाना है वो मैंडेटरी हो जाएगा, पार्ट ऑफ लाइफ। मास्क के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये वन टाइम यूज़ है मोस्ट ऑफ द मास्क, आपको फिर नया मास्क लेना पड़ेगा। ये ऐसे मास्क इन्होंने डिज़ाइन किए हैं जो वॉशेबल है, ये केपेबल है 99.2% बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए। COVID-19 फेस मास्क मैंडेटरी हो रहा है, सिंगल यूज़ है, हाई कॉस्ट है, तो ये एन सेफ मास्क आ रहे हैं, ये रीयूजेबल होंगे, अप टू 50 लॉन्ड्रिंग हो सकती है, मतलब इनको आप धो के वापस यूज़ कर सकते हो। इनमें ट्रिपल लेयर्ड प्रोडक्ट होगा, ये इनर लेयर में हाइड्रोफिलिक है, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक होता है मतलब फियर। देन मिडिल लेयर होगी, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रोटेक्शन होगा। आउटर लेयर होगी, उसमें वाटर एंड ऑयल रेपेलेंट बिहेवियर होगा। तो ये ट्रिपल लेयर्ड प्रोडक्ट है, ये इफ़ेक्टिव है, और द गुड थिंग इज़ ये रीयूजेबल भी है। ये 99.2% बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी रहेगी, ब्रिदेबिलिटी और स्प्लैश रेजिस्टेंट भी होगा, 3 माइक्रॉन साइज तक ये सारा फिल्टर कर सकता है। तो अगेन वेरी गुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन।
ये न्यूज़ आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझना ज़रूरी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में इतना सफ़र क्यों कर रहा है। स्पेशली पास्ट वन ईयर ये ब्लीड हो रहा है काफ़ी। इकोनॉमी ग्रोथ क्लस्टर्स होते हैं इसमें, और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉर वर्क कैसे करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं क्लस्टरिंग में। क्लस्टर्स होते हैं इनके, जैसे पुणे में एक क्लस्टर है, तमिलनाडु में एक क्लस्टर है, दिल्ली में एक क्लस्टर है, तो ये क्लस्टरिंग होती है। क्लस्टरिंग का मतलब होता है यहाँ प्रोपेंसिटी है मैन्युफैक्चरर्स की, लोकल ऑपरेशंस हो रहा है इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। बिकॉज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, जैसे ये क्या होता है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब इधर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें ये एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में बनाना पसंद करते हैं, ताकि इनको कॉस्ट कटिंग हो सके, कॉस्ट इनका कम हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर है या नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी है, एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं या नहीं है, मार्केट वहाँ पर कितना दूर है, ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये चिप इन होते हैं जब हम डिसाइड करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करनी है हमें। फॉर एग्जांपल जैसे चक्कन है, चक्कन पुणे में है, यहाँ पे है एक क्लस्टर, दिस ऑर्गादम तमिलनाडु में है, सानंद गुजरात में है, पीतमपुरा एमपी में है, दिल्ली में एनसीआर है, ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स हैं, क्लस्टर्स हैं यहाँ पे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लास्ट वन ईयर में जो इश्यूज आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इशू है ओनरशिप रिड्यूस हो रहा है। जो ये नई जनरेशन आ रही है, ये कार खरीदना पसंद नहीं करती, ये ओला उबर जनरेशन ज़्यादा हो रही है। देन BS6 नॉर्म्स आने वाले थे, तो लोगों ने अपनी परचेस को होल्ड पे रखा हुआ था, तो कार का जो है सेल का डिक्लाइन हो गया था काफ़ी। देन इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और COVID-19 के कारण अभी लॉकडाउन भी हो गया है। सो दैट इज़ वाई ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ ब्लीडिंग एंड दे आर डिमांडिंग दिस रिलीफ पैकेज। रीओपनिंग अप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बूस्ट होगी, जैसे मारुति का प्लांट ओपन होगा, तो ये प्लांट ओपन होगा ना, तो इसके एंसिलरी सारे हैं ये भी वर्क करने लग जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ ये इकोनॉमी यहाँ पे ऐसे वर्क करती है। इनको ग्रिड से हम ग्रोथ पोल्स देखते हैं, ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं, तो एक सेंटर इमर्ज होता है, उसके आसपास सारा ग्रोथ डेवलप होने लग जाता है। सो दिस इज़ वाई ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइव करना। ये एडिटोरियल सेक्शन है। अब बैक होम, बैक होम, बैक होम का मतलब है बैक टू होम। जो इंडियंस हैं बाहर अटक गए थे बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 लॉकडाउन के कारण, अब इनको वापस इंडिया बुलाया जा रहा है। इंडिया ब्रिंग्स बैक स्ट्रैंडेड एक्सपैट्रिएट, स्ट्रैंडेड एक्सपैट्रिएट्स, इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट द न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन। अब ये लोग जो आएंगे, तो पॉसिबल है कि एक नया वेव ऑफ इन्फेक्शन भी आ सकता है। फर्स्ट वीक में करीब 15,000 नेशनल्स आ रहे हैं, ये नेवी और एयरक्राफ्ट के थ्रू बुलाए जाएंगे करीब 13 कंट्रीज से, और ये कोऑर्डिनेटेड वे में रिटर्न हो रहा है। इसका नाम है वंदे भारत मिशन, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये नाम दिया है, कंडक्ट हो रहा है ये। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और लेबरर्स हैं, इनको हम बुला रहे हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज़ में काफ़ी ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, उनको हम वापस इंडिया बुला रहे हैं। कंपेलिंग रीजंस हैं टू रिटर्न, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी इस फर्स्ट फेज़ में, जैसे उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, या फिर उनको डिपोर्टेशन फेज़ हो रहे हैं, फैमिली में इमरजेंसी है, मेडिकल इश्यूज़ हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स हैं जिनका अकोमोडेशन ख़त्म हो गया है, तो फर्स्ट फेज़ में ऐसे लोगों को जिनके पास कंपेलिंग रीजंस है रिटर्न होने का, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। लॉकडाउन अगर एग्जिट होता है, तो रिपैट्रिएशन मैनूवर्स होंगे। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पॉसिबल है, अनएम्प्लॉयमेंट और डाउनटर्न ग्लोबल इकोनॉमीज में हो रहा है, तो उससे भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो राइज हो रही है। देन दिस इज़ ब्लेम गेम, दिस इज़ अबाउट US पॉलिटिक्स। USA में इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी होने वाले हैं दिस 2020-24 के लिए। वर्ल्ड नीड्स मोर कोऑपरेशन एंड लेस एनिमोसिटी, अभी टाइम नहीं है कि हम एनिमोसिटी दिखाएं, वी नीड टू शो मोर कोऑपरेशन इन डीलिंग विद दिस पेंडेमिक। अटैक ऑन चाइना हो रहा है ओवर कोरोना वायरस आउटब्रेक, तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी प्रिकैरियस सिचुएशन में आ रही है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। अप्रूवल रेटिंग्स फॉल हो रही है US में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसा कहा जा रहा है ही इज़ ट्राइंग टू मोबिलाइज वोटर बेस, और दैट इज़ वाई ये जो वुहान लैब इन चाइना पे अटैक ओपन हुआ है, वो इसलिए हुआ है ताकि वोटर बेस को मोबिलाइज किया जा सके दिस 2024 इलेक्शंस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। US चाइना के टाइज अनईजी है, ट्रेड वॉर अभी चल रहा था काफ़ी टाइम से। हुवावे जो एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, दिस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स एंड ऑल, 5G में इसको स्टॉप किया गया US में पार्टिसिपेट करने से। जनवरी से इनिशियल ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब नॉर्मल सी आ रही थी ट्रेड में, बट उसके बाद आ गया COVID-19, तो वुहान लैब से इसको, ऐसा एलिजेशन हैं कि वुहान लैब से ओरिजिनेट हुआ है। अनरेवलिंग द ट्रेड टॉक,
दिस इज़ नॉट गुड फॉर वर्ल्ड ट्रेड, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड के लिए ये जो बैरियर्स हैं, एनिमोसिटी है, इसको स्टॉप करना ज़रूरी है. US इम्पोर्ट फिर भी अभी कर रहा है PPP एंड अदर सप्लाईज़ फ्रॉम चाइना. WHO का फंडिंग अभी हॉल्ट कर दिया था USA ने. चाइना ने उसको कंपनसेट करने के लिए एडिशनल 30 मिलियन ग्रांट दिया है. नाउ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इफ़ द गोल आर टू डिफीट द वायरस, वायरस को डिफीट करना है, सेव लाइव्स करना है, रीबिल्ड इकोनॉमीज करना है एंड सोसाइटीज़ करना है, दीज कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, नॉट थ्रू अनसब्सटेंशिएटेड अक्यूजेशंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड थ्रेट. तो ये सारी चीज़ें ना, दे आर नॉट गुड. और अगर ये स्टेट हेड ऐसी बात करते हैं देन अगेन इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. सी, जो स्टेट हेड्स होते हैं वो काफ़ी कैलकुलेटेड और काफ़ी फैक्ट बेस्ड एंड काफ़ी ऑथेंटिक होता है, उनका जो भी बात होती है उसका काफ़ी वैल्यू होता है. सो दैट इज़ वाई ये सब चीज़ें, दिस कुड बी अवॉइडेड एट दिस टाइम. मीनवाइल वी स्टिक विद वॉट इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी कमेंट नहीं दिया है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो वी आर नॉट कमेंटिंग एनीथिंग. वॉट वी अंडरस्टैंड, वॉट इज़ अवर इंटरेस्ट इज इसका रेमिफिकेशन क्या होगा, इसका आउटकम क्या हो सकता है वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमी में. नाउ ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, दिस इज रिससिटेटिंग मल्टीलेटरलिज्म विद इंडियाज हेल्प. अभी हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन का दौर आया था, हाइपर ग्लोबलाइजेशन हुआ, अब डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं, मल्टीलेटरलिज्म से बाहर हो रहे हैं, ब्रेग्जिट से UK बाहर हो गया. इट कुड लीड अ कोलिशन टू ब्रिज द ग्लोबल डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट. तो ट्रस्ट डेफिसिट एक बड़ा इशू हो रहा है चाइना के साथ थ्रू अ रिजीम ऑफ रूल्स. मल्टीलेटरलिज्म जो है वो अभी अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है, नेसेसरी है इसको प्रिजर्व करना, बिकॉज मल्टीलेटरलिज्म अगर एंड होगा ना तो इसके ज़्यादा नुकसान होंगे, फ़ायदे कम होंगे. फाइट COVID-19 है, करटेल है, वर्स्ट इफेक्ट ऑफ दिस इनएविटेबल रिसेशन भी आ रहा है, तो इसमें कलेक्टिव एफर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया इसमें बहुत यूनिकली पोजिशन है और ये एडवांटेज इंडिया है. अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो एडवांटेज इंडिया है. एडवांटेज इंडिया है मतलब इंडिया को अपना स्टेप अप करेगा एफर्ट तो हम मल्टीलेटरलिज्म को फिर से रिवाइव कर सकते हैं. दिस मीन्स रिवाइव करना. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सी हर जो थ्योरी होता है ना उसके कुछ बायर्स होते हैं और कुछ उसके नहीं होते हैं. जैसे हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ बोलते हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ मतलब जो सेम इथोस फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, दिस पीस फॉलो करते हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉलो करते हैं, ट्रांसपेरेंट वे में वो आगे बढ़ना चाहते हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ फाइंड लाइक माइंडेड कंट्रीज़ कोऑपरेशन और देन मूव फॉरवर्ड. मल्टीलेटरलिज्म को डिस्कार्ड करना वुड नॉट बी अ वाइज आइडिया. फाइंड लाइक माइंडेड पार्टनर्स. चाइना ग्लोबल क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, इस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है आज. इंडिया कुड ऑफर मीडिएशन, सोशलाइजेशन ऑफ चाइना इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम, एक्सेप्टेंस ऑफ दिस नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेट करवा सकते हैं प्रिंसिपल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज चाइना इज अगेन अ वेरी बिग कंट्री और इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा ये पावर है. इसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता है, बट इस अपॉर्चुनिटी में हम क्या कर सकते हैं कि इसको रूल अबाइड करवा सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ला सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी शुड ट्राई. मेलाइस अफ्लिक्टिंग मल्टीलेटरलिज्म है. फॉर एग्जांपल WTO में काफ़ी सवाल उठते हैं, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ट्रांसपेरेंसी नॉट डूइंग वेल, फॉल्टर हो रहा है ये. WHO को सबने आज डिस्कार्ड कर दिया है काफ़ी कंट्रीज़ ने. सीवियरली डेंट हुआ है इसकी क्रेडिबिलिटी पे, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं. ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पोस्ट वॉर में बने थे. 1945 में जब वॉर एंड हुआ तो सबको लगा कि अगर हम इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, इकोनॉमी इंटरलिंक हो जाएगी तो वॉर जैसी सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वॉर से सबको डैमेज होगा और हम इंटरडिपेंडेंट होंगे तो हम लड़ाई नहीं करेंगे. सो दैट इज़ वाई हमने ऐसे WTO टाइप इंस्टीट्यूशंस बनाना चालू किया, यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल. हमारा आइडिया था हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें, आपस में जुड़े, कल्चरली जुड़े, इकोनॉमिकली हम कनेक्ट हों, शेयर्ड करें प्रॉस्पेरिटी को. इसका मतलब होगा एनहेंस करें अफिनिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू पीस. तो सी हम अगेन कोई दूसरा बड़ा वॉर तो नहीं हुआ है आफ्टर World War II, बट ये नए चैलेंजेस एंड फिशर्स अभी आ गए हैं. इंटरडिपेंडेंस है, इससे वेलबींग वेपनाइज्ड हो रहा है. ये वेपनाइज मतलब जिसे पूरा वर्ल्ड चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग में, नो चाइना इज़ यूजिंग इट फॉर इट्स एडवांटेज, वो इसको वेपनाइज कर रहा है. मिसयूज ऑफ एग्जिस्टिंग लूप होल्स हो रहा है, फोर्स्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अक्सर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो IPR के केसेस फाइल कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में और उनको बैंड किया जाता है उनकी पॉलिसीज़ को. अनफेयर एडवांटेजेस उठाया जाता है सब्सिडी एंड दिस वॉयलेशन का. रिफॉर्म करना ज़रूरी है. मल्टीलेटरलिज्म में सबका डेवलपमेंट होना चाहिए. रिलेशन जब भी होता है ना, अगर वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तभी वो सस्टेन होता है, अदरवाइज़ ये रिलेशन सस्टेन नहीं होता है. सो रिफॉर्म होने की ज़रूरत है.
फर्स्ट इसमें हम कर सकते हैं कि नीड फॉर रीअश्योरेंस हो, पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करें, रिन्यू करें कमिटमेंट मल्टीलेटरलिज्म के लिए। यूएस का रोल रिट्रीट हो रहा है, यूएस श्रिंक हो रहा है, तो ऑटोक्रेसी नहीं आनी चाहिए, ऑटोआर्की इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। सेकेंड जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम सम स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग करें, मीन्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हर कोई आपके व्यूज से अग्री हो। सो जो लाइक माइंडेड हैं वो आपस में डिसकनेक्टिविटी करें और वो एक ग्रोथ सेंटर्स, ग्रोथ रीजन्स बनाए वहाँ पर सेपरेटली। थर्ड हो सकता है क्लोजर कोऑपरेशन हो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का और डीप इंटीग्रेशन हो। इसमें रोल ऑफ इंडिया क्या हो सकता है कि हम यूनिक एंड गुड पोजीशन है, वी कैन वर्क क्लोजली विद द अलायंस ऑफ दिस मल्टीलेटरलिज्म, जैसे अभी एक जर्मनी और दिस फ्रांस का इनिशिएटिव है। लाइक माइंडेड पार्टनरशिप होना ज़रूरी है। इंडिया का हमेशा से स्ट्रेंथ रहा है हमारी सॉफ्ट पावर। इंडिया आज भी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गुडविल इंडिया को मिलता है, तो वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस। अगेन वेरी गुड पॉइंट्स है यहाँ पे दीज बाय दीज ऑथर। ओके, वर्ल्ड ऑर्डर, रोल ऑफ इंडिया में यू कैन यूज़ दिस, व्हाट आर द फिशर्स एंड व्हाट आर द फॉल्ट लाइंस एंड व्हाट कुड बी द वे अहेड। अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। यहाँ ये लिखा है कि जो पैंडेमिक है ये शेडो कर रहा है इकोनॉमी को, तो हम एक कंसोल बॉन्ड लेके आते हैं, ये ज़्यादा कंपेलिंग सॉल्यूशन लग रहा है फॉर द गवर्नमेंट। अब कंसोल बॉन्ड क्या होता है विल सी। इकोनॉमिस्ट अभी एक क्लेरियन कॉल दे रहे हैं कि लार्ज स्टिमुलस की ज़रूरत है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, मतलब कॉल फॉर एक्शन है ये। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो ऑस्टेरिटी मेजर ले, जैसे इन्होंने तनख्वाह काट दी लोगों की, ऑस्टेरिटी मेजर कर रहे हैं, जो अननेसेसरी खर्चे थे उसको कट कर रहे हैं, तो ऑस्टेरिटी मेजर इज़ वन थिंग पैसे बचाने के लिए। दूसरा है रीअलोकेशन ऑफ फंड करें, जैसे एमपी लेड फंड था उसको इन्होंने, सरकार ने अपने पास ले लिया, दो साल के लिए सस्पेंड कर दिया, तो रीअलोकेशन ऑफ फंड्स हो रहा है, इधर हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र हो रहा है। पुल द इकोनॉमी बैक फ्रॉम द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब बॉटम, इससे वापस हमें रिबाउंड कराना है। बट ये जो मेजर्स है ना, ये सारे मेजर्स इनसफिशिएंट है, इससे कुछ बड़ा रिजल्ट्स नहीं आने वाले। वेज टू जनरेट रेवेन्यू के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें फंड करना पड़ेगा इस स्टिमुलस पैकेज को। वन थिंग वी ऑल अग्री इज दैट वी नीड अ स्टिमुलस पैकेज, बट इसका पैसा कहाँ से आएगा? इसका पैसा लाने के लिए आरबीआई जैसे नज कर रही है बैंक को कि लैंड मोर, फॉलिंग शॉर्ट हो रहा है बिकॉज बैंक आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं। आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा लिक्विडिटी हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो, जैसे WMOA ऑफ स्टेट्स होता है, वेज एंड मीन्स एडवांस, ये हमने अभी कपल ऑफ डेज बैक काफ़ी डिटेल में देखा था। वेज एंड मीन्स एडवांस मतलब स्टेट्स में अगर टेम्प्ररी मिसमैच हो रहा है खर्चे में, तो आरबीआई से ये लोन ले सकते हैं। तो ये तरीके हैं हमारे पास, बट इससे आप फंड नहीं कर पाओगे स्टिमुलस पैकेज को, ये आपके फायर फाइटिंग मेजर्स हैं। हमें स्टिमुलस को अगर फंड करना है तो हमें पैसे जनरेट करने पड़ेंगे, और पैसे जनरेट करने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है, वो होता है बॉन्ड्स लेके आए। बॉन्ड्स लेते आते हैं ना, तो जैसे कंपनीज को भी पैसे की ज़रूरत होती है, वो बॉन्ड इशू करते हैं और रेवेन्यू पूलिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं वो। ये जो इस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कंसोल बॉन्ड्स होते हैं, इनका ओरिजिन हम देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने कंसोल बॉन्ड्स इशू कर दिए। बॉन्ड्स मतलब उन्होंने लोगों से पैसे लिया और बताया ये जब आएगा तो विल रिटर्न दिस, कंसोल बॉन्ड्स आए। तो जैसे अभी हम पीएम केयर फंड में डोनेशन मांग रहे हैं, तो व्हाई कांट वी डू समथिंग लाइक दिस कंसोल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट इसको इशू करे और इस बॉन्ड्स में लोगों से बोले कि आप इस बॉन्ड्स में पैसे अपने इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये गवर्नमेंट का बैक्ड होगा तो लोग इसमें फ्रीली कॉन्फिडेंस के साथ पैसे अपने लगा पाएंगे और इससे पैसे बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे, पूल ऑफ मनी बिल्ड होगा। बॉन्ड जो अपन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं ना, जैसे हमने कोरोना बॉन्ड पढ़ा था कपल ऑफ डेज बैक, यूरोपियन यूनियन, इंडिया में मसाला बॉन्ड्स होते हैं, तो पर्पस के हिसाब से आते हैं तो उनको उसका नाम दे दिया जाता है, होते सारे बॉन्ड ही हैं ये। नाउ ये जो बॉन्ड का होगा इससे पूल ऑफ मनी बिल्ड होगा, और ये जो पूल ऑफ मनी है इसको हम किसी भी तरीके में यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है कि आपका खर्चा और आमदनी है, जो डिफरेंस है उसको आप मोनेटाइज कर दो। मोनेटाइज मतलब सेंट्रल बैंक से बोलो, या तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले ले, या उसको डेफिसिट को फिल कर दो उधार लेके। दूसरा तरीका जो ज़्यादा पॉपुलर लगता है वो लगता है कि सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेंट्स करो, हर सिटीजन को इसमें रोप इन कर दो, और उसके लिए ये बॉन्ड्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गवर्नमेंट एक बॉन्ड लेके आ रही है, गवर्नमेंट बैक्ड है, सारे सिटीजन से बोल रहे हैं आप इसमें अपना पैसा लगाइए, और ये जो पैसा होगा इसको गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगी, अलग अलग वर्क करेगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, और बाद में आपको इसका रिटर्न भी पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, गुड ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बैक्ड होगा तो क्रेडिबल भी होगा, अट्रैक्टिव कूपन रेट्स दे सकते हैं और इस पर टैक्स रिबेट्स भी दे सकते हैं। तो अगेन वेरी इनोवेटिव तरीका है कि इससे गवर्नमेंट जो फंड का शॉर्टेज हो रही है, वो फंड का शॉर्टेज
पब्लिक से पोलिंग करा ले, और पब्लिक को अश्योरेंस रहेगा गवर्नमेंट का कि उनका पैसा रिटर्न हो जाएगा विद जो भी इनका रेट्स डिटरमाइन है. सो वो इजीली अपना पुल भी कर सकते हैं अपना मनी. सो दिस इज़ अगेन अ गुड आइडिया. लिक्विडिटी क्राइसिस इनोवेटिव सॉल्यूशन है कि बॉन्ड्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ अबाउट ई कोर्ट्स. कल हमने एक आर्टिकल देखा था, इसमें लिखा था कोर्ट को एम्ब्रेस करना है टेक्नोलॉजी. जैसे टैक्स के हैं 70% एक ही टाइप के केसेस हैं, तो उसको अपन ऑनलाइन ई कोर्ट के थ्रू सॉल्व करें. अब यहाँ इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट है. दिस इज़ द ब्यूटी. ओके, यू डोंट हैव टू अग्री ऑन एनीथिंग. हम सबका फ्री माइंड होता है. फ्री माइंड में यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स, बट ये थॉट्स जो होते हैं वो रैशनल होने चाहिए, वो फैक्ट बेस्ड होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए और नॉन एग्रेसिव होना चाहिए. वॉयलेंस का कोई यूज़ नहीं होना चाहिए. वॉयलेंस, वर्बल वॉयलेंस भी नहीं होना चाहिए, फिजिकल वॉयलेंस भी नहीं होना चाहिए. अब एक पर्सन है इसमें, लेटर टू द एडिटर में उन्होंने लिखा कि आई डू नॉट एग्री विद दिस. अब इन्होंने क्या पॉइंट्स दिए, आर्ट ऑफ एडवोकेसी जो होती है वो लाई होती है स्पिरिट ऑफ डॉनिंग दैट रीगल अटायर. जो ये काला कोट पहनते हैं उसको रीगल अटायर में होती है. अगर अपन ई कोट कर देंगे तो ये पर्पस थोड़ा डिफीट होगा. पुटिंग अक्रॉस योर केस इन ओपन कोर्ट में, केस में जो जिरह होती है वो उसका थीम है, एसेंस है. फाइटिंग टूथ एंड नेल जो होता है ये बहुत ज़रूरी है. तो लॉयर्स एंड जजेस होते हैं. दूसरा बात यहाँ पे था कि उनको हॉलीडे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो इन्होंने कहा लॉयर्स एंड जजेस होते हैं, ये काफ़ी डिमांडिंग जॉब है, बहुत मेहनत से इनको काम करना पड़ता है और काफ़ी अटेंशन एंड एग्जॉस्टिंग थिंग है ये फिजिकली एंड मेंटली. सो दैट इज़ वाई दे नीड हॉलीडेज एंड इट इज़ गुड. सो दिस इज़ हाउ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड. ट्रेडिशनल एथोज हैं एक तरफ, कोर्ट का जो रेगुलर ट्रेडिशनल एथोज हैं, और दूसरा है टेक्नोलॉजी चैलेंजेस जो अभी आ रहे हैं. अगेन यू कैन यूज़ दिस इन अ सर्टेन केस स्टडी. ये सारे जो न्यूज़ आइटम्स हैं ना, ये सारे टैम्पलेट्स हैं. इफ़ यू पे अटेंशन एंड इफ यू आर रेगुलर, यू सी इट फॉर सम टाइम एंड यू कैन यूज़ दीज टैम्पलेट्स इन योर आंसर राइटिंग. और आंसर राइटिंग में एनरिचमेंट क्या होता है, आंसर एनरिचमेंट क्या होता है, ये होता है आंसर एनरिचमेंट. आपने इसको अपनी यूनिक अंडरस्टैंडिंग समझा और इसको ना यूज़ इट, फ्रीली यूज़ इट. इकोनॉमिक्स में यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी में यूज़ करिए, एथिक्स में यूज़ करिए, पॉलिटी में यूज़ करिए, दिस इज़ अप टू यू. और इससे क्या होता है, आपके आंसर में क्रिएटिविटी आएगी एंड यू विल फैच वेरी वेरी गुड मार्क्स. सो दिस इज़ द ट्रिक आंसर एनरिचमेंट का. ये टैम्पलेट्स है, यूज़ इट वेर एवर यू वॉन्ट इट. नाउ फियर्स एंड लोदिंग इन द लैंड ऑफ द फ्री. फियर्स एंड लोदिंग इन द लैंड ऑफ द फ्री, दिस इज़ अगेन अ टैम्पलेट. यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट पोल है, कुड बी मार्क्ड बाय एम्प्लीफाइड केओस है और हैम्पर हो रहा है. अक्सर प्रेसिडेंट या जब इलेक्शन टाइम होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल केओस हो जाता है, टेंशंस मरकरी राइज होता है. यूएस अभी रिकवरी फ्रॉम कोविड 19 हैम्पर हो सकती है. 2020-24 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, डेमोक्रेट से जो बिडेन है, रिपब्लिकन से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वापस री इलेक्ट होने का ट्राई करेंगे प्रेसिडेंटशिप के लिए. कोविड 19 को मिसहैंडल हुआ है अमेरिका में, यू वुड बी सरप्राइज्ड. अमेरिका जैसा जो हेल्थ केयर में इतना अटेंशन देता है, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज सी दे आर राइजिंग रैपिडली यूएसए में. तो उन्होंने काफ़ी मिसहैंडल किया है दिस कोविड 19 को. तो दैट इज़ वाई इनका अप्रूवल रेटिंग कम है डोनाल्ड ट्रंप का. तो दैट इज़ वाई वहाँ पे अभी डिवाइडेड लैंडस्केप है और ये सारा अभी पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रहा है. वर्ल्ड पीस एंड ऑर्डर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट वी नीड टू सी. नाउ एवरीवन वांट्स अ गुड स्टिमुलस, ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ टेम्पलेट है. इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे किया जाना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल कैसे सोचना है, प्रैग्मेटिक होना क्यों ज़रूरी है. पॉलिसी सुपरफिशियल आइडियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए. अब जो कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट यूजुअली क्या चाहते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट हो, मतलब गवर्नमेंट का रोल काफ़ी कम हो, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हो, मिनिमम गवर्नमेंट डिज़ायरेबल होती है. सो नॉर्मल टाइम पे ये कैपिटलिस्ट बोलते हैं द ओनली थिंग वी आस्क ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू लीव अस अलोन एंड लेट अस ग्रो. हमको अपने हाथ पे छोड़ दो, हम अपने आप ग्रो हो जाएंगे. बट सी टाइम इज़ चेंजिंग. कैपिटलिज्म सोशलिज्म में ये जो डिस्टिंक्शन था ये अब ब्लर होता जा रहा है. टर्निंग टू द गवर्नमेंट, अब ये सारे जो है कैपिटलिस्ट हैं, कंपनीज हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं हमें बेल आउट पैकेजेस चाहिए. द आयरनी इज इनएस्केपेबल. जेट एयरवेज, यस बैंक, ऐसे बहुत सारा लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. प्राइवेट सेक्टर इज आस्किंग फॉर दिस बेल आउट. तो दे आर डिमांडिंग दिस गुड स्टिमुलस. नाउ गुड स्टिमुलस का क्या मतलब होगा, आप सिंपली बहुत सारा मनी पंप कर दोगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. ओपन करना पड़ेगा सप्लाई साइड शटडाउन, बिकॉज लिक्विडिटी तो है बट इतना क्राइसिस भी नहीं है. लिक्विडिटी का क्राइसिस है कि ये सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो पा रहा है. सर्कुलेशन का क्राइसिस है, लिक्विडिटी का क्राइसिस नहीं है इस हद तक. सो फॉर दैट वी नीड टू ओपन दिस सप्लाई साइड शटडाउन. हमें नॉर्मलसी जितना जल्दी हो सके रिटर्न करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है तो गवर्नमेंट भी बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं प्रॉमिस कर सकती है बिकॉज उसके खुद के पास पैसे नहीं है. मेरिट एक्सपेंडिचर पे उसको ज़्यादा ध्यान देना है. मेरिट मतलब जैसे अभी आज की
पीरियड में जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हेल्थ पे हमें पहले खर्चा करना पड़ेगा। देन मोनिटाइज कर सकते हैं डेफिसिट को। एक ये पॉलिसी होती है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, इसमें ये होता है कि जैसे साल भर में जो खर्चा हुआ उधार आपने, उसको आमदनी कम हुई डेफिसिट हुआ, इसको आप उधार से फुलफिल करते हो, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए उधार। तो दैट इज़ दिस जो बजट डेफिसिट होता है इसको आपको मिनिमम करना है, ये हम FRBM में ट्राई करते हैं। बट फॉर टाइम बिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है तो इसको हम रिलैक्स कर सकते हैं। हमें ग्रांट्स टू स्टेट्स देने की ज़रूरत है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट ये सफिशिएंट नहीं है। इकोनॉमी में हमने पढ़ा है, NCERTB क्लास 9th and 12th वी हैव रेड, इसमें इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, वो किसी एक जगह स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। GST का शॉर्टफॉल हुआ तो कंपनसेशन मांगा स्टेट्स ने, ये फंड्स अभी तक रिलीज़ नहीं है, रिलीज इट ऑन प्रायोरिटी। IMF ने मीनवाइल बेल आउट का हेल्प किया था, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी डिफिकल्ट थी तो हम उस पर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, बट एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम इस ऑप्शन को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ ये लिखा है ओनली अ फूल कन्फ्यूज फेट विद डेस्टिनी, केवल एक जो फूल है वो ही कन्फ्यूज़ करेगा फेट को और डेस्टिनी को। फेट इज़ वॉट हैपन्स टू एस, फेट क्या होता है जो हमारे साथ होता है, डेस्टिनी इज़ वॉट वी मेक इन स्पाइट ऑफ अवर फेट। तो आपकी डेस्टिनी आपके हाथों में है, डेस्टिनी इज़ वॉट वी मेक इन स्पाइट ऑफ अवर फेट। इंडियाज़ डेस्टिनी अपीयर्स रिलेटिवली सेफ इफ़ वी कास्ट द माइंड्स अराउंड द ग्लोब। लिफ्टिंग द लॉकडाउन फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, गुड स्टिमुलस आना चाहिए, अनहैंडकफ करना पड़ेगा बिलियन पीपल को टू सेव देयर लाइव्स टू। सो दीज आर सम वॉट प्रैग्मेटिक अप्रोच, जो आंसर राइटिंग भी आप सॉल्यूशंस देना, सजेशंस दें, वो प्रैग्मेटिक होने चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, सुपरफ्लुअस नहीं होने चाहिए। देन दिस इज रेंट कंट्रोल अमिड्स पेंडेमिक, ये अलग क्राइसिस हो रहा है, इसमें एथिकल एंगल भी है कि अगर आप एक किराएदार हैं, आपके यहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, आप मकान खाली कराओगे, उनसे पैसे लोगे, आपके पास भी पैसे नहीं है तो आप उसको डेफिसिट कैसे देखोगे। सो यहाँ पर बहुत मोरल डायलमा चल रहा है। अभी क्लैरियन कॉल दिया था कि आप फॉरगिव कर दो रेंट फॉर अ मंथ और टू पुअर माइग्रेंट्स का, दे वॉन्ट टू डू दिस, बट जो मकान मालिक है उनके पास भी तो पैसे का शॉर्टेज हो रहा है, वो कब तक माफ़ कर पाएंगे इसे। स्टॉप इविक्शन, इट वुड एग्जर्बेट द पेंडेमिक। रेंट अग्रीमेंट्स अब इसमें होता है कि रिटर्न में होना ज़रूरी है, हमारे यहाँ इनफॉर्मल और अनरिकॉर्डेड होता है। गवर्नमेंट यूज़ करती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये राउंड अबाउट वे है, इससे रिलीफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम रेंटल रेगुलेशन एक्ट को यहाँ पे फोकस रखें, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 को। पेपर वर्क होता है तो पेपर वर्क होता है मतलब एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है तो रिलीफ और रेगुलेशन प्रोवाइड कराना इजी हो जाता है। तो अगेन दिस इज़ अ न्यू स्टैम्पलेट, यू कैन यूज़ दिस न्यू स्टैम्पलेट इन वेरियस वेज। नाउ दिस इज़ दरबार न्यू मूव, अगेन बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, और ट्रेडिशन क्या होते हैं और बदलते टाइम पे उनको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, एफिशिएंसी क्या होती है और एक्स्ट्रावेगेंस पॉम्प क्या होता है। दरबार मूव क्या है, ये एक टेस्टिमोनी है कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री की, जम्मू एंड कश्मीर की 148 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस है, डोगरा मोनार्क लेके आए थे। इसमें बाय एनुअल शिफ्ट होती है कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऐसे शिफ्ट होती है। हाईकोर्ट जो है इसने कहा कि ये अननेसेसरी शिफ्ट करने से बर्डन आ जाता है एक्सचेकर में, बिकॉज खर्चा आएगा आप इतना ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हो बार बार। द प्रैक्टिस हेल्प फॉस्टर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बिटवीन कल्चरली डाइवर्स रीजन। अब इसका आर्ग्यूमेंट इन्होंने ये दिया कि ये बिकॉज कैपिटल शिफ्ट होता है तो ये जो दो कल्चरली डिफरेंट एरियाज़ है इनमें यूनिटी आती है, इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, और यहाँ के लिए दैट इज़ गुड। नाउ सिमिलरली आंध्रा ने भी तीन कैपिटल का फॉर्मूला दिया है, विशाखापट्टनम बोलता है एग्जीक्यूटिव कैपिटल बना दो, सेक्रेटेरिएट और CM यहाँ पे होना चाहिए, कुरनूल को जुडिशियल बनाओ और अमरावती को लेजिस्लेटिव बताओ। तो यू सजेस्ट ये जो मल्टीपल कैपिटल्स होती है, यहाँ तो चलो ट्रेडिशन है, यहाँ पे ट्रेडिशन नहीं है, यहाँ पे अगेन दे आर थिंकिंग अबाउट दिस एफिशिएंसी। सो वेदर इट शुड बी डन और एक ही कैपिटल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल हम साउथ अफ्रीका देखें तो नेम उनकी कितनी कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका का, नेम इट। सो टेल वॉट आर योर व्यूज़ ऑन दिस दरबार मूव, ये जो दो कैपिटल है। ओके देन दिस इज़ पुअर फाइंड एक्सेस टू अकाउंट्स हार्ड स्टडी में आया है। अगेन प्रैग्मेटिक होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है ये ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल करते हैं, बट ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर प्रैग्मेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये पेपर में तो बहुत अच्छी दिखती है बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जो स्कीम बनाना होता है वो बनाना तो बहुत इजी होता है, डिज़ाइन करना इज़ वेरी इजी। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब आपने जैसे ये डीबीटी किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बट ये किसको ट्रांसफ़र हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, और फिर उस तक उसके बैंक अकाउंट तक पहुँचना भी चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन इंश्योर करना अगेन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है, बॉटलनेक आता है आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट। सो दैट इज़ वाई हम जैसे जैम ट्रिनिटी लेके आए, जनधन आधार मोबाइल है, तो मैनी इससे अभी भी लेफ्ट आउट हैं बिकॉज ऑफ से आधार या बैंक अकाउंट नहीं है, कई बार घोस्ट अकाउंट्स बन जाते हैं, इनका एक्सेस नहीं कर पाते बिकॉज अ लास्ट मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अभी भी हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल कम है, और इकोनॉमिक और ई लिटरेसी लेवल तो और भी कम है, गैजेट्स लिटरेसी एंड ऑल। सो इससे भी चैलेंजेस आते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है इसके, इसीलिए यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं है, ये डेटा पॉइंट बता रहा है कि मैनी आर स्टिल लेफ्ट आउट। फॉल इन की ट्रीटमेंट कैटेगरी, इसमें क्या है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम आया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें फ्री हेल्थ केयर कवरेज दिया है हमने सेकेंडरी और टर्जरी लेवल्स पे भी। बॉटम 40% जो हैं वल्नरेबल है उनको ये फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा, 5 लाख रहेगा पर फैमिली पर ईयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। कैशलेस और पेपरलेस सर्विसेज होगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे इसमें एलिजिबल हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, COVID-19 आ गया तो बहुत सारे लोग हेजिटेट कर रहे हैं हॉस्पिटल जाने में, वो हॉस्पिटल जाने में दे आर फियरिंग कि उनको COVID-19 कैच हो सकता है। सो इसके कारण यहाँ पे लिखा है ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो रहा है, जनरल सर्जरी में भी देखी हुई है, मेडिसिन में भी, दिस गायनेको कार्डियो मेडिकल ऑन्कोलॉजी कार्डियो दिस वस्कुलर सर्जरी, इन सब में जनरल डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिया है। ऑन्कोलॉजी मतलब इसमें कैंसर में भी इसलिए किया है बिकॉज कैंसर में कई बार हम इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, और अगर इम्यूनो सप्रेसेंट दिया तो वो वल्नरेबल हो जाएगा COVID-19 में, इम्यूनिटी वीक हो गई, सो दैट इज़ वाई इसको डिले किया जा रहा है सर्जरीज एंड ऑल को। तो अगेन दिस इज़ हेल्थ केयर एंड सोसाइटी, दिस इज़ अगेन वन टैम्पलेट है, थिंक आप इस टैम्पलेट को कहाँ पर और किस जगह अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये पीपल आर हेजिटेंट टू गो टू द हॉस्पिटल, अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल। फ्रूगल इनोवेशन, इनोवेशन ऐसी होनी चाहिए जो फ्रूगल हो, प्रैक्टिकल हो, ये अगेन ITI के प्रिंसिपल साहब हैं, बहरमपुर में है, इन्होंने ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन किया है, इन्होंने रीफिट किया है इस माइक्रोवेव को, और यहाँ पे UV लैम्प और एक टाइमर लगा दिया, तो इससे सैनिटाइजेशन चैम्बर की तरह काम करेगा, जो हॉस्पिटल्स एंड ऑल में मेडिकल स्टाफ है वो अपना मोबाइल पेन स्मॉलर इक्विपमेंट्स हैं इसके अंदर रख के तुरंत विद इन मिनट उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है ये 1200 रुपये का है, मतलब इट कैन बी ईजिली अफोर्डेबल है ये, हम इसको मास स्केल में सर्जिकल फिट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगेन कीवर्ड इज़ गुड, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, ओके यूज़ दिस वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, फ्रूगल इनोवेशन, वेरी गुड थिंग। नाउ दिस इज़ यूरोपियन इकोनॉमी फेसेस हिस्टोरिकल रिसेशन आ रहा है, रिसेशन मतलब इकोनॉमी नोज डाइव हो रही है अभी, ये फोरकास्ट है कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लॉकडाउन वर्स्ट इम्पैक्ट है, ये आई वाटरिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं इसके। टूरिज्म सेक्टर, यूरोप में टूरिज्म बहुत बड़ा प्लेयर है, इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है, ये नोज डाइव हो गया है, नोज डाइव मतलब ऐसे नीचे फॉल हो गया है। COVID-19 का कोई साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन नहीं हो रहा है, तो अगेन सिचुएशन इज डायर। अ लैब एट द हार्ट ऑफ US-China वायरस स्पैट, US ऑफिशियल्स ने कहा है कि उनके पास एविडेंस है कोरोना वायरस पैथोजेंस एक वुहान की लेबोरेटरी से ओरिजिन हुआ है। WHO और चाइना ने इसको कहा ये गलत है, दीज आर स्पेक्यूलेशंस। नाउ वॉट डज इट हैंडल, वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ये वुहान लैब करता क्या है। वुहान इंस्टीट्यूट हाउस करता है लार्जेस्ट वायरस बैंक एशिया का, इसमें करीब 1500 स्ट्रेन्स हैं वायरस के, कॉम्प्लेक्स कंटेन फर्स्ट मैक्सिमम सिक्योरिटी लैब एंड ऑल। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसलिए करते हैं ताकि ये हमें प्रिपेयर करता है दिस हेल्थ केयर स्टडी एंड दिस एजुकेशन R&D के लिए यूज़ होता है, बट ये बायो वेपन भी बन जाता है अगर जाकर ये ऐसे रिलीज हो गया वायरस तो। अगेन दीज आर स्पेक्यूलेशन, नथिंग ऑफिशियल, स्पेशली हमारी सरकार ने कुछ नहीं कहा है तो हम भी नहीं कहेंगे यहाँ पे। हमें इंटरेस्टेड है कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि अगर US-China वॉर होगा, अगर ये बायो वेपन्स हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रेमिफिकेशंस क्या होंगे, ये प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए सच टाइप ऑफ डेंजरस जो लैब और वर्क हो रहा है, इसमें भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। देन हम क्यों ना करें, यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, इसके ग्लोबल रेमिफिकेशन क्या हो, तो अकाउंटेबिलिटी सेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नो मैटर व्हाट ये रिलीज़ हुआ है, नेचुरल है या वॉट एवर इट इज़, आज पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, सो देर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है।
नाउ दिस इज़ लोन मोरेटोरियम टू NBFC, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, ये हम बनाते हैं ताकि फाइनेंशियल आउटरीच बढ़ सके, इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाइनेंस सेक्टर में हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर पास सम टाइम ये NBFCs काफ़ी स्ट्रगल कर रही है बिकॉज इनके पास लिक्विडिटी का काफ़ी क्राइसिस है, पैसे रेवेन्यू नहीं आ रहा है इनके पास, जो लोन दिया है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहे हैं, तो दे आर फेसिंग दिस लिक्विडिटी क्राइसिस, लोन इनका डिफॉल्ट ज़्यादा है। अब सी RBI हमारे बैंकों का भी बैंक माना जाता है, RBI ने कहा हम बैंक्स को लोन प्रोवाइड करेंगे, कुछ क्रेडिट देंगे ताकि वो NBFC को उसे फर्दर पास ऑन कर सके, ताकि NBFC को थोड़ा रिलीफ मिले। NBFC ने मीनवाइल अपने कस्टमर्स को मॉरेटोरियम दे दिया, मतलब टेम्प्ररी डिले करने के लिए बोल दिया, आप अपना EMI एंड ऑल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वो काउंट नहीं होगा, तो टेम्प्ररी हॉल्ट करने के लिए NBFC ने कस्टमर्स को अलाउ कर दिया, बट जो बैंक हैं NBFC बैंक से पैसा लेती है और बैंक्स रिलक्टेंट हो गए कि हम पास ऑन नहीं करेंगे, और जबकि RBI ने मोराटोरियम बैंक्स को दे दिया था, बैंक बोलते हैं कि हम अगर NBFC को पैसे देंगे NBFC फेल हो जाएगी तो वो फिर हमारा NPA बन जाएगा। सो इस तरीके से ये चेन बन रहा था। नाउ SBI ने स्टेप इन किया है और इसने बोला है हम NBFC को ऑफर कर रहे हैं मोराटोरियम लोन पे, अब पॉसिबल है कि जो दूसरे बैंक्स हैं वो भी SBI का फॉलो करेंगे, तो पैसे ऐसे मूव होते हैं, RBI से बैंक्स में गए, बैंक्स NBFC को दे रहा है, NBFC फिर कस्टमर के पास जा रहे हैं। ये इक्विटीज़ होती है, इक्विटीज़ मतलब सिनोनिमस है स्टॉक मार्केट्स, शेयर मार्केट्स, यहाँ पे परचेज और सेल होता है ऑनरशिप शेयर्स का, हमारे यहाँ NSE और BSE है, एक्सचेंजेस हैं। नाउ यहाँ का डेटा बताता है कि इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी डैम्पन हुई है, इकॉनमी यू नो जनवरी में भी हम देख रहे थे वैसे ही इकॉनमी वॉज नॉट डूइंग वेल, COVID-19 के बाद इकॉनमी तो नोज डाइव हो गई है, तो दैट इज़ वाई फ्लक्चुएशन बहुत आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी बहुत है। हमने ये सर्किट ब्रेकर पढ़ा था कपल ऑफ डेज बैक कि कब जो ट्रेडिंग है वो स्टॉप कर दी जाती है अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता है, तो सर्किट ब्रेकर काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ हुए हैं। COVID-19 के कारण अनसर्टेनिटी है हेल्थ केयर में, लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी स्टैंड स्टिल है, तो सेंटीमेंट्स आर डाउन। ग्लोबल ऑर्डर देखें तो US एंड चाइना में अभी नया लड़ाई शुरू हो रहा है, तो इससे भी अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगी, सेंटीमेंट्स डाउन होंगे, स्पेकुलेशंस ग्रिम हैं अभी स्टॉक मार्केट्स के। देन ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, जो कैलकटा यूनिवर्सिटी है इसने बोला है कि हमारे पास जितने भी पेपर्स हैं, बुक्स हैं, कलेक्शंस हैं, जर्नल्स हैं, डिसर्टेशंस हैं, हर चीज़ को हम ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स को अभी टाइम आ रहा है, उनको क्वालिटी मटेरियल एक्सेस करने से किसी को भी डिनाई नहीं करना है हमें। नाउ एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन एक्सेस काउंटलेस आर्टिकल्स, जर्नल्स एंड दीज, ये बेनिफिट करेगा हर किसी को। ये काफ़ी अच्छी और रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है, 1857, ये ह्यूज रिपोजिटरी है नॉलेज एंड लर्निंग। नाउ कनेक्ट इट विद दिस एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जैसे डिफिकल्ट टाइम है तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉकडाउन है एंड एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट दैट फाइनेंशियली कैपेबल, तो आप उसको लर्निंग एंड एजुकेशन से डिप्राइव क्यों करें? एट दिस टाइम यू शुड प्रोवाइड ऑल दीज क्वालिटी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज नॉलेज और ये जो लर्निंग होती है इसमें बैरियर्स नहीं आने चाहिए, देर शुड नॉट बी एनी बैरियर इन लर्निंग, एंड शेयरिंग इज केयरिंग। देर अब ये लोग बोलते हैं कि इनका रेवेन्यू फॉल होता है, रेवेन्यू फॉल लाइक न्यूज़पेपर एंड ऑल भी क्लेम करते हैं, कुछ न्यूज़पेपर हैं जो अपना PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड सम न्यूज़पेपर्स आर देयर जो चार्ज करते हैं और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं इस PDF में। सो दे कैन हैव देन ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू मॉडल हो सकता है, आप इधर स्टूडेंट्स एंड कस्टमर्स के अलावा यू कैन हैव अदर ऑल्टरनेटिव मॉडल। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि लर्निंग में बैरियर्स नहीं आने चाहिए, एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सी, इट इज़ एन ओपन एंडेड थिंग, डिबेट्स इसके प्रो फॉर और अगेंस्ट दोनों हो सकते हैं थिंग, कि ये जो स्टेप लिया है ये किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये ओपननेस होना बहुत ज़रूरी है, सोर्सेज का नॉलेज एंड जो होता है लर्निंग होता है बुक्स एंड ऑल, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए और ऑल्टरनेट मॉडल होना चाहिए रेवेन्यू जनरेशन का, ताकि इनका भी सर्वाइवल बना रहे एंड स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो दिस इज़ कैलकटा यूनिवर्सिटी, डिजिटल कलेक्शन गोज ऑनलाइन, ये इक्विटी ट्रेड डिप बाय 14%, लोन मॉरेटोरियम टू NBFC, ये वुहान लैब था, ये यूरोपियन इकोनॉमी हिस्टोरिक रिसेशन हो रहा है, माइक्रोवेव ये ITI के प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पे इनोवेशन किया है। देन दिस इज़ फॉल इन की ट्रीटमेंट कैटेगरी, आयुष्मान भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स, आपको प्रैक्टिकल होके रीजनेबल पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है, एंड दिस इज़ द बॉटलनेक इंडिया में। दरबार मूव अगेन थिंक ये क्या होना चाहिए इसमें। देन रेंट कंट्रोल अमिड्स पेंडेमिक, एंड दिस इज़ अगेन एथिकल एंगल है, एवरीवन वांट्स गुड स्टिमुलस, देन व्हाट इज़ गुड स्टिमुलस, देन फियरिंग एंड लोदिंग, देन दिस इज़ ई कोर्ट्स, अगेन आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स,
मुखर्जी साहब ने क्या बोला था, हम क्या हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस हैं, हम वॉयलेंट इंडियंस नहीं हैं। देन दिस इज़ वॉर लाइक स्टेट एंड बॉर्न टू द रेस्क्यू। देन दिस इज़ द प्रीवियस वन, दिस में हमने बात किया दिस मल्टीलेटरलिज्म कैसे रिवाइव किया जा सकता है और इसमें इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। देन दिस इज़ ब्लेम गेम विच कुड बी अवॉइडेड, ये बैक टू होम है इंडिया के एक्सपैट्रिएट्स, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये कैसे वर्क करता है, क्लस्टरिंग कैसे होती है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स हैं पुणे, गुजरात, NCR, तमिलनाडु में, और इनको रीओपन करना ज़रूरी है। लेबर शॉर्टेज डिमांड यहाँ पे डैम्पन है, MSME को वापस रिवाइव कराना है। ये ITI का भी, IIT दिल्ली का एक नया इनोवेशन है, मास्क रीयूजेबल है, और ये अगेन इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है कि हमने हॉस्पिटल्स नहीं है तो हम जो ट्रेन्स हैं उसी को हम इसमें कंपार्टमेंट्स बना देंगे, मॉडिफाइड कंपार्टमेंट्स। दिस इज़ अगेन वेरी गुड इनोवेशन। सो दिस इज 7th of May 2020, 7th of May 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।